बिहार के नवादा जिले में रिपोर्टिंग करने पहुंचे बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप और उनके कैमरामैन को भीड़ ने घेर लिया। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग गाली भी देते हुए नजर आए। दरअसल मनीष कश्यप कैमरे के सामने अपनी रिपोर्टिंग शूट कर रहे थे, तो कुछ स्थानीय लोग इस दौरान अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाने लगे, जिसे देख मनीष कश्यप ने वीडियो बनाने वाले लोगों को अपने माइक से मारना शुरू कर दिया। यह स्थानीय लोगों का कहना है, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और जमकर बवाल हो गया। इस दौरान मनीष कश्यप भी बार बार अपनी सफाई देते हुए नजर आए कि उन्होंने माइक क्यों चलाई, जबकि मनीष कश्यप के कैमरामैन जब बीच बचाव में आए तो लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। लोगों का यही कहना था कि आखिरकार मनीष कश्यप ने लोगों पर माइक क्यों चलाई। नवादा में मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग के दौरान हुए बवाल का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मोबाइल दीजिए, सामने सामने है ना, आप इधर सामने चेहरा में लोग को दिखाओ। सुनिए मेरी बात, सुनिए होता है जब अरे मनीष भाई पहली बात सुनिए, मनीष भाई मेरा सुनो, उसके बाद तुम अपने बोलना। जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बीच में कोई मोबाइल लाता है, कोई कहीं लाता है, क्यों नहीं लाएगा, उसे डिस्टर्ब क्यों नहीं लाएगा, उसे डिस्टर्ब होता है, उसे डिस्टर्ब होता है, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आप हमसे बताइए। हम इस तरह से पूछे नहीं, अरे तुम पीछे कर रहे हो, हम भी पीछे कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट, हां बताओ, हां बताओ बताओ भाई, आप लोग मुंह से भी बोल सकते थे कि भाई मैं रिकॉर्ड, हां मैंने सुनिए हां सुनिए एक चार भाई मेरा मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए, सामने सामने है ना, आप इधर सामने चेहरा में लोग को दिखाओ। सुनिए मेरी बात, सुनिए होता है जब अरे मनीष भाई पहली बात सुनिए, मनीष भाई मेरा सुनो, उसके बाद तुम अपने बोलना। पहली बात मेरा सुनो भाई, जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बीच में कोई मोबाइल लाता है, कोई कहीं लाता है, क्यों नहीं लाएगा, उसे डिस्टर्ब क्यों नहीं लाएगा, उसे डिस्टर्ब होता है, उसे डिस्टर्ब होता है, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आप हमसे बताइए। हम इस तरह से पूछे नहीं, अरे तुम पीछे कर रहे हो, हम भी पीछे कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट, एक मिनट, हां बताओ, हां बताओ बताओ भाई, आप लोग मुंह से भी बोल सकते थे कि भाई मैं रिकॉर्ड, हां मैंने सुनिए सुनिए हां सुनिए एक चार एक मिनट सुनिए सुनिए।